मेरे कहने का जो मतलब है वो वैसा है कि तुम्हें भी अपनी सैलरी दादी को देनी पड़ेगी। रिया, रिया, राम, अभी तक तो मम्मी जी लोगों को चप्पलों से पिटती थी, अभी फावड़े से क्या खून करने जा रही हैं? लगता है जरूर कोई पुराना आशिक होगा। एक काम करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, ये ना पुलिस वालों दिखाने के बहुत काम आएगा। तुम्हें शराब भी है का? पहली बार। हे प्रभु, अब ये पुण्य करना भी बाकी बच गया था। अरे अब क्या करें, दिल टूट गया तो पी ली। तुम आ कहाँ से रहे हो अभी, भटकते हुए डोलते हुए, इनको टाइम है घर वापस आने का। ये सही है श्रीमती जी। आई? ये तो पापा जी लग रहे हैं। आज तक तो कभी नहीं पूछा कि हम कहाँ गए, कहाँ से आए। अरे फालतू भाषणबाजी मत करो, बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ। अरे अरे रुको, तुम हमें पहले बताओ कि ये कुदाली लेकर तुम कहाँ क्या खोदने निकली हो? अपनी कब्र खोदने गए थे। काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत काम आएगा सबूत के तौर पे। तुम्हारे साथ रह रह के इतने खुश हो गए हैं ना कि जल्दी से जल्दी ऊपर जाके ऊपर वाले को बताना चाहते हैं, उसका इंतजाम करके आए हैं। हाँ, बस ठीक है, ठीक है। और कुछ बताना हम तुम्हें जरूरी नहीं समझते। अरे जरूरी है, जरूरी है। चिंता काहे रहे हो, पूरा मोहल्ला जग जाएगा। चिल्लाओ मत। बैटरियां भी चली गई। कसम से इतने सारे काम कांड करने के बाद भी ना मम्मी जी की किस्मत का पिटारा खुल ही जाता है। बैटरी अभी अभी जानी थी। पति है तुम्हारे, कोई नौकर नहीं है। चलो। चिल्लाओ मत। अरे हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, वरना हम अभी पुलिस को फोन करके बताएंगे। हम सारी उम्र तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ेंगे, बोलो। अरे बाबा हाथ छोड़ो ना, हम पुलिस को बोल देंगे तुम बदतमीजी कर रहे थे। हाँ तो कह देना, अभी चलो चलो। ये तो फोटो खींच गई। चल अंदर। क्या कर रहे हो? ओह, कितना शोर मचा रहे हो, सब सुन रहे हैं। खड़े रहो आप। चुप रहो। अब जोर आजमाओ घर के अंदर। तुम नहीं, तुम्हारी बोतल बोल रही है। जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी तो तुम्हारे साथ। बस अब यही तमाशा देखना बाकी बचा था। हम तमाशा कर रहे हैं? अरे जिंदगी को नरक बना दिया तुम्हारे बेटे ने। अच्छा, जब हमसे पार नहीं पार पाए तो उसे कोसने लग गए। अरे उसे नहीं कोस रहे हैं, अरे जबरदस्ती उसने कब्जा कर लिया हमारी कैंटीन में। वहाँ भगवान है हमारे, रोज पूजा करते हैं, वहाँ जुए का अड्डा चला रहा है वो। और तो और बाप को बाप नहीं कह रहा वो, और तुम कह रही हो हम उसे कोस रहे हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए तुमको। हम काहे शर्म करेंगे प्राणनाथ, हमने कौन सा शर्माने का काम किया है? अरे अगर तुमने जिंदगी में दो पैसे कमा लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। और अब हमारा बेटा दो पैसे कमा रहा है तो उसमें भी तुम्हें कांटे चुभ रहे हैं। तुम बेकार में उसके बारे में कोई बुराई नहीं करोगे, तुमसे तो ज्यादा ही कमा लेगा वो। कैसी माँ, गैर कानूनी काम कर रहा है वो और तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। अरे वो सरला सदन बनाएगा हमारे लिए। अच्छा हाँ, तुम तुम्हारा इस तरह शराब पी के हमसे बात नहीं करोगे, बस बता रहे हैं। अरे तुम माँ बेटे से तो बात करना ही फजूल है। हाँ। अरे जा कहाँ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे सोने। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम जैसे नशेड़ियों के लिए हमारे कमरे में कोनो जगह नहीं है। चलो वापस आ जाओ जाके, जाओ। हाँ। जब देखो भाई अमित को जली कटी सुनाते रहेंगे। आज तो भाई आसाम से आ रही है चाय। नहीं सुबह से तपस्या में लगे हैं, चाय आएगी चाय आएगी चाय आएगी, पर खुशिया की कहानी तो शुरू ही ना हो। लाते लाते अम्मा जी। दादी 5 मिनट तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। अरे 100 साल करोगी तपस्या तब जाके सफल होगी, वो भी यहाँ बैठ के नहीं, हिमालय पे जाके करोगी तब। दादी आप बोले तो टिकट निकालो। तू का टिकट निकालेगी हमारी? हम हेलीकॉप्टर बुला के तुमको ही पहुँचा देंगे हिमालय की चोटी पे, वो भी बिना स्वेटर के। वहाँ जाके करते रहे मुर्गा सुबह बांग दे न दे, तेरी छोटी रानी जरूर देगी। सुबह सुबह अंग्रेजी में कब आते? वो सब अंग्रेज हो रहे तो हमने सोचा हम भी अंग्रेज बन जाए। वो रेडवा जो सुन रहे इतने साल से, इतनी तो अंग्रेजी आनी चाहिए कि नहीं। हाँ। शिवम से बात की? हाँ शिवम से बात हो गई हमारी। आजकल तो तुम्हारी अकल पे नाल लग गए हैं। फिर शिवम ने बहुरिया से बात की? अब नहीं पता अम्मा जी, हमने तो शिवम को बोल दिया। अब उसने रिया से बात की कि नहीं वो नहीं जानते। अब बात को गोल गोल जलेबी की तरह मत घुमा, बहुरिया के कान में बात सरक जानी चाहिए, बात खत्म। ये तुम्हें हमारी बात समझ में काहे नहीं आती? गुस्सा देख इतने साल हो गए गृहस्थी चलाते, काम करो अपना, गृहस्थी चलाते चलाते फिर भी तुम्हें हर बात समझानी पड़े हैं। नहीं तुम्हें लगता है कि हम गलत बोल रहे तो बता दे, नहीं हम अभी वृद्धाश्रम ढूंढना शुरू कर देते। फिर बैठना तुम विराजना यहाँ ना ही चाहिए हमको रोज का ही परपंच। अरे नहीं अम्मा जी काहे वृद्धाश्रम की बात करती हो, आपकी जगह तो इधर है आपके घर में। ऐसे ही मुंह चलाती रहती है, बात तो कोई सुनती नहीं हमारी। अब देखो अम्मा जी हमने तो शिवम से बात कर ली, ठीक है हम शिवम को बोल देंगे कि आज पक्का रिया को बोल दे, और हमको इस बात का विश्वास है कि हमारा लल्ला हमारी बात नहीं टालेगा। बड़ा विश्वास है अपने लल्ले पे। आज शाम तक कहाँ देख रही हो इधर? गड़ी जाना घर में साफ करो। आज शाम तक बहुरिया के कान में ये बात छप जानी चाहिए, बता रहे हैं। नहीं वृद्धाश्रम ढूंढना शुरू कर देंगे हम, तो जवाब देती रहना रघवा को। और सबसे से हटा उसको और इसको हटा, सामने से हटा उसको। सामने से हटाओ उसको, उसको हटाओ सामने से, सामने से हटाओ इसको। अरे बच के मकड़ी मामा, इसका लगता है पागलपन का फिर से दौरा शुरू हो गया। सामने से हटाओ, सामने से हटाओ इसको, हटाओ सामने से। गाय अरे सामने से हटाओ इसको। अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे उसे। अरे इसको मर जाएगा। बेटा अरे टूट जाएगा। अरे इसको बंद छोड़ दे, छोड़ो उसको। हम कह रहे हैं छोड़ो उसको। बेटा छोड़ दे बेटा। अरे जीजी बचाओ, भगवान की कसम खाई थी तुमने, हमें नहीं चाहिए कि तुम्हारा। अरे छोटे जल्दी नीचे आ, तेरा भाई संभल नहीं रहा। छोड़ दे, हटाओ, छोड़ दे, छोटे जा। अरे सुजीत, अरे बेटा छोड़, जल्दी आ जा, जल्दी। भैया छोड़िए, भैया छोड़िए बैठिए। अरे बाबा शांत बेटा, शांत बिल्कुल शांत। अरे कोई कुछ नहीं। भैया ये लीजिए भैया, जल्दी से करवा। हाँ। कोई तंग नहीं करेगा। ये बस एक छोटा सा सिक दे, खत्म। आप जगे थे? नहीं। तो मेरा हाथ कैसे पकड़ा? मिस्टर, वो वाइफ से झूठ नहीं बोलते, गलत बात होती है। वाइफ? लेकिन हम तो स्ट्रेंजर्स हैं। और बाय द वे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, किसी स्ट्रेंजर को सोते हुए देखते? मैं नहीं देख रही थी। मैं तो क्या, अब मैं सफाई करने वाली थी। आप कुछ स्ट्रेंजर ऐसे फ्लोर पे सोया है तो ऑब्वियसली आप देखोगे ना कि वो कब उठेगा। ऐसे कैसे मैं सफाई कर लेती? जान ना पहचान, जबरदस्ती बन रहे हो मेहमान। बताओ अपनी पहचान। हेलो जी पापा, अब मैं ठीक हूँ। कोई काम था? काम से याद है, इससे सैलरी वाली बात करनी। नहीं, मैंने खाना अच्छे से बनाया। अब रिया, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। हाँ जी। तो उसने मेरी बात सुनी नहीं, दोबारा कैसे करो? पक्का ये शशि कला का ड्रामा है यार। ये बात तो माँ के दिमाग में आ ही नहीं सकती।